देखो, ट्रेडमार्क का मतलब है एक ऐसा मार्क, एक ऐसा चिन्ह, सिंबल, जो ट्रेडर के ट्रेड को रिप्रेजेंट करे, जो बताए कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो इस पर्टिकुलर ट्रेडर का है। उस पर्टिकुलर मार्क को हम कहते हैं ट्रेडमार्क। सो व्हाट इज ट्रेडमार्क? इट इज बेसिकली अ मार्क विच हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर। एक ऐसा मार्क जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है, उस मार्क को हम कहते हैं ट्रेडमार्क। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं कि मार्केट में कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, राइट? ओप्पो, वीवो, IPR लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम IPR के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हम ट्रेडमार्क के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि ट्रेडमार्क क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क और एसेंशियल फीचर्स। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ट्रेडमार्क के बारे में बात करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने पेटेंट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्या है, और हमने ये जाना कि IPR के वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, डिज़ाइंस एक्सेट्रा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यही तीन ऐसे फॉर्म ऑफ IPR हैं जहां से क्वेश्चंस आता है और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। या तो आपको पेटेंट क्या है उसे डिफाइन करने के लिए कह देगा, या तो कॉपीराइट या ट्रेडमार्क। और एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वो यही है कि What do you mean by intellectual property rights? Intellectual property rights से आप क्या समझते हो? And why there is need to provide such rights to the creator or inventor? तो ये एक basic question है जो लगभग हर साल पूछा जाता है, right? तो आज हम बात करेंगे trademark के बारे में। चलिए, ट्रेड मार्क, देखो, ट्रेड मार्क का मतलब है एक ऐसा मार्क, एक ऐसा चिन्ह, सिंबल, जो ट्रेडर के ट्रेड को रिप्रेजेंट करे, जो बताए कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो इस पर्टिकुलर ट्रेडर का है। उस पर्टिकुलर मार्क को हम कहते हैं ट्रेडमार्क। सो व्हाट इज ट्रेडमार्क? इट इज बेसिकली अ मार्क विच हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर। एक ऐसा मार्क जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है, उस मार्क को हम कहते हैं ट्रेडमार्क। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं कि मार्केट में कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, राइट? ओप्पो, वीवो, नोकिया, सैमसंग, MI और भी कई सारे स्मार्टफोन्स हैं। अब ज़रा समझो कि अगर ये डिफरेंट स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, अगर इन पे लेबलिंग ना हो
लिखा ना हो कि ये ओप्पो का है या जो पर्टिकुलर मार्क है किसी कंपनी का वो इस पे अफिक्स ना हो, जैसे एमआई का क्या है, ऐसे एमआई का राइट, सैमसंग का सैमसंग लिखा रहता है, और वीवो के फोन पे ऐसे वीवो लिखा रहता है राइट। तो अगर ये मार्क्स ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर सेलफोन है वो किस कंपनी का है? अच्छा, इन सेलफोन कंपनीज के, अच्छा ये जो सेलफोन्स होते हैं इनका जो शेप होता है, साइज होता है, जो कलर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो आसानी से डिफरेंशिएट कर सके कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी का है। तो बेसिकली ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा सिंबल है जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से अलग पहचान दिलाता है, ताकि कंज्यूमर्स कंफ्यूज ना हो और एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो उस कंपनी के प्रोडक्ट का कस्टमर के माइंड में। अब ये जो ट्रेडमार्क है वो कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक लेटर हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, इवन शेप, साइज, कलर, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क है जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कराने का काम करता है राइट। अब जैसे मानो कि मार्केट में कई कंपनीज के सिम कार्ड्स अवेलेबल हैं, जब आप एयरटेल का सिम खरीदोगे तो इसका सिंबल क्या है, कुछ इस तरह से। तो ये जो सिंबल है वो ये बताता है कि ये जो सिम है वो एयरटेल का है राइट। व्हाट्सएप का अपना सिंबल है कुछ इस तरह से, ऐसे ही नाइक शूज का अपना सिंबल है, फेसबुक का अपना है, स्केचर्स शूज का अपना सिंबल है। तो ट्रेडमार्क बेसिकली वो मार्क्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने का काम करते हैं, एक क्लियर कट इमेज बनाने का काम करते हैं इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स राइट। तो ट्रेडमार्क is any sign that individualizes the goods of one enterprise and distinguishes them from goods of its customers. क्योंकि market में कई सारे players available हैं जो similar kinds के product को produce कर रहे हैं, तो इसलिए trademark आपके product को उन कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कराने का काम करता है। ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है, एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और ये कोई नेम हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, इमेज, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स टुगेदर, इनमें से सिंबल या डिजाइन या इमेज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है राइट। ट्रेडमार्क को इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के सेक्शन 2ZB में डिफाइन किया गया। ट्रेडमार्क हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2ZB ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब जैसे मानो कि
अब जैसे मानो कि हमारा जो चैनल है नॉलेज ग्रिप, इसका जो सिंबल है वो क्या है? अलग है, यूनिक है, अपने आप में ओरिजिनल है और पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं चाहूँ तो इस सिंबल को रजिस्टर्ड करा सकता हूँ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत। ठीक है, ये देखो बीच में क्या है, येलो कलर है, फिर यहाँ पे केजी लिखा है, यहाँ पे लिखा है टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो, और यहाँ पे क्या है, रेड लाइनिंग है, और यहाँ पे कैप है। इसी तरह से PW का अपना सिंबल है। तो बेसिकली ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क है जो कंफर्म करता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो गुड्स हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अ मार्क विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स एंड इट मे इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। राइट, जैसे मान लो ये डोम्स का चौक है तो इसकी पैकेजिंग क्या है, अलग है। राइट, इसका शेप एंड साइज क्या है, अलग है। जो ट्रेडमार्क है इसका वो क्या है, अलग है। तो बेसिकली ये करने के पीछे का जो पर्पस है वो क्या है, कॉम्पिटिटर्स के सिमिलर प्रोडक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कराना ताकि कंज्यूमर कंफ्यूज ना हो और एक क्लियर कट इमेज कंज्यूमर के दिमाग में हो कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या वो जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है क्या वो उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा है। राइट, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला, द बेसिक फंक्शन और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क इज टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड देयर ओरिजिन। जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कराना कि ये जो गुड्स हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं, वो इस पर्टिकुलर कंपनी के हैं, उनके ओरिजिन को बताना। दूसरा, टू सर्व एज गारंटी ऑफ अनचेंज्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये जो ट्रेडमार्क होते हैं अपने आप में ये इंश्योर कराते हैं कंज्यूमर्स को कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का जो प्रोडक्ट है उसका जो क्वालिटी है वो अनचेंज्ड है, अपने आप में उसका क्वालिटी क्या है, गुड है, बेस्ट है। जैसे एक एग्जांपल मान लो, ये जो चौक है, डोम्स का चौक है, अच्छा इसका जो बेस्ट क्वालिटी है वो क्या है, सबसे पहले मार्केट में जो डस्टलेस चौक का कॉन्सेप्ट आया वो डोम्स से ही आया। जब इस चौक को आप यूज़ करोगे तो इसके कई सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे पहली बात तो ये कि ये डस्टलेस चौक है, डस्ट कम से कम आता है और इसी की वजह से क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, प्राइस भी क्या है, अफोर्डेबल है, पैकेजिंग ठीक है, तो ये सभी क्या है, क्वालिटीज है। तो ट्रेडमार्क अपने आप में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को डिनोट करता है। राइट, जैसे जब आप आईफोन लेते हो तो दो तीन क्वालिटीज हैं, एक सिक्योरिटी, दूसरा कैमरा, तीसरा स्टोरेज। तो ट्रेडमार्क बेसिकली अनचेंज्ड क्वालिटी को, बेटर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा क्या है, इट एक्ट्स एज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिवाइस। ये अपने आप में मार्केटिंग के तरह एक्ट करता है, एडवर्टाइजमेंट की तरह एक्ट करता है। जब कोई प्रोडक्ट आप पहली बार यूज़ करोगे और उसके यूज से आप
कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो आप जाके दूसरे पर्सन को ही बताओगे, दूसरा तीसरे को बताएगा। तो ये अपने आप में क्या है, एडवर्टाइजमेंट है बाय द कस्टमर्स देमसेल्व्स। फोर्थ वन, इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो ट्रेडमार्क है कंज्यूमर्स के माइंड में प्रोडक्ट के इमेज को सेट कर देता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कंपनी को। तो ये सभी क्या है, फंक्शंस हैं ट्रेडमार्क के। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ट्रेडमार्क। एसेंशियल फीचर्स, हमने जाना कि ट्रेडमार्क में कोई नेम हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, इमेज या कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला फीचर क्या है, इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, यानी ये अपने आप में अलग होना चाहिए ताकि आप जो कंज्यूमर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सके। इट मस्ट बी डिस्टिंक्टिव। दूसरा क्या है, ट्रेडमार्क शुड प्रिफरेबली बी एन इन्वेंटेड वर्ड, अपने आप में एक नया वर्ड होना चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। तीसरा, इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस एंड रिमेंबर इफ इट इज अ वर्ड मार्क। तो ये अपने आप में स्मॉल होना चाहिए ताकि आप आसानी से इसे प्रोनाउंस कर सको और याद रख सको। इन केस ऑफ अ डिवाइस मार्क, इट शुड बी डिस्क्राइब्ड बाई अ सिंगल वर्ड। तो कोशिश करो कि आपका जो मार्क हो वो अपने आप में क्या हो, सिंगल वर्ड हो, ताकि लोग आसानी से इसे क्या कर सके, मेमोराइज कर सके। इट शुड बी शॉर्ट एंड शुड नॉट बी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ये था ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क के एसेंशियल फीचर्स और फंक्शंस। अगर आप नोट्स पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमने कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं और जो PDF नोट्स हैं कंप्लीट IPR के ऊपर वो टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है, तो आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, वीडियोस देखो, समझो और नोट्स से पढ़ लो, अपने आप में ये सफिशिएंट है। IPR के ऊपर आपको अदर टॉपिक्स नहीं देखना पड़ेगा, ये वीडियोस अपने आप में सफिशिएंट है और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करोगे। तो इसी विश्वास के साथ आप जाओ टेलीग्राम चैनल से PDF नोट्स डाउनलोड कर लो और वीडियोस देखो। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।